हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर लिया है। आज मुझे बहुत काम करना है, तो आज मैंने बनाए हैं जो मेथी के बड़ा आते हैं, वो मेथी के गोटा वो बनाए हैं। तो उसके लिए मैं चटनी बना रही हूँ कुछ नए तरीके से। वैसे मैं हर बार जो भी पकौड़ी या कुछ भजिया बनाती थी तो उसके साथ हम टमाटर और लाल मिर्ची वाली चटनी बनाते थे, लेकिन आज हमने कुछ नई चटनी ट्राई की है। तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, अगर अच्छी लगे तो आप अपने घर पे ट्राई करिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। और ये चटनी जो मेथी के गोटा होते हैं, यानी कि मेथी के जो भजिया होते हैं, उसके साथ यही चटनी खाई जाती है। तो ये चटनी बनेगी छाछ के लिए, छाछ और बेसन। तो छाछ को मैंने ले लिया है, ज़्यादा चटनी नहीं बनानी, थोड़ी सी ही बनानी है। तो थोड़े से कटोरी में मैंने छाछ ले लिया और उसमें बेसन को अच्छे तरीके से घोल दिया है, दो तीन चम्मच बेसन को, और अच्छे से हमने मिक्स कर लिया जिससे कि कोई भी लम्स ना रहे। और हमने दो तीन हरी मिर्ची काट करके रख ली है। तो अब क्या करना है तो देख लीजिए, अभी हम क्या करने वाले हैं। तो अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल के बाद फिर हमें पहले मैं कैमरे को सेट कर लेती हूँ अच्छे से। तो जो तेल हमने पहले से यूज़ किया था उसमें हमने बड़े बनाए थे, तो बस जो गोटा मेथी का था वो बनाया था मैंने, तो उसी तेल को हम यूज़ कर लेंगे। तो हमने एक चम्मच तेल लिया बड़ा, एक चम्मच, तो इसको थोड़ा गर्म हो जाने दो। और उसके बाद हमने डाला इसमें कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ते के बाद हम जैसे कि हम कोई भी सब्जी छौंकते हैं उसी तरीके से हमें इसमें राई और जीरा डालना है। तो राई डाल दी है हमने आधी चम्मच छोटी, और आधी चम्मच छोटा हमने जीरा डाल दिया है। तो अच्छे से तेल पहले से गर्म था क्योंकि अभी अभी हमने गोटा तले हुए हैं इसलिए। तो फिर हरी मिर्ची डाल देंगे, उसको थोड़ा भुनने देंगे, और फिर उसके बाद हमने जो छाछ में बेसन घोल के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे, और बढ़िया बराबर से हम इसको चलाते जाएँगे। तो नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे इसमें, इसलिए हम उसको बराबर चलाते रहेंगे और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। थोड़ा पानी और ऐड कर देते, मुझे थोड़ा थिक लग रहा था इसलिए। तो अब हम इसको चलाते रहेंगे बराबर, और ये चलता जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा, चटनी के सेप में आ जाएगा। तब तक हम इसे चलाते रहना है। अब हमने इसमें ऐड कर दिए हल्दी और लाल मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी आप चटनी बना रहे हो। और आप तीखा खाना चाहते हो ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हो, कम तीखा खाना चाहते हो कम मिर्ची डाल लेना। तो अभी हमने बाकी के मसाले भी ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक भी ऐड करना है हमें इसमें। और फिर ये थिक हो चुकी है चटनी, इसी ऐसी ही होती है चटनी। तो हमने गैस को स्लो कर दिया है, पक चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है। तो थोड़ी देर मसाले के साथ हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो इस तरीके से देख लीजिए चटनी हमारी रेडी हो गई है। तो हम धनिया ऐड कर देंगे, तो धनिया ऐड हमने कर दिया है। तो देख लीजिए अब हम इसको परोस के आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसी बनी है, और हमने कौन से वाले मेथी के गोटा बनाए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपने खाए हैं या बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और एक बात मैं भूली गई बताना आप लोगों को कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये है हमारे मेथी के गोटा, तो ये मेथी के गोटा हमने बना के रख लिए हैं, और ये है हमारी चटनी तो रेडी हो गई। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, उससे पहले मैंने सारा काम कर लिया है किचन का ख़त्म, और आज मेथी के गोटा और सब्जी दोपहर की पड़ी हुई थी तो थोड़ी सी रोटी बनाई दो तीन, और फिर हमने मेथी के गोटा और ये चटनी। चटनी मैंने पहली बार बनाई थी और इसके साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, किसी भजिया वजिया कुछ भी बनाओ तो इस चटनी को जरूर ट्राई करिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो कड़ी है, लेकिन आप लोग सर्च करके देख लीजिए, ऐसी चटनी बनती है मेथी के गोटे के साथ, ठीक है। तो आ जाइए भाई, सब लोग टेस्ट कर लीजिएगा कैसा बना है। हमारा टिफिन को अटरम सटरम तैयार है, गो टिफिन में सब्जी खीरा रोटी पोटी से रहता ही, पानी के बोतल जी, टिफिन खाली, और ये हमारा नाश्ता देख लीजिए, चाय पराठा कड़ी हम लाए नहीं, हमने कहा था बासी भूसी दे, तुम्हारे टमाटर। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे अपनी अलमारी को साफ, तो बने रहिए हमारी वीडियो पे लास्ट तक।